नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। जाधव मामले में पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। इंटरनेशनल कोर्ट ने जाधव की फांसी पर लगाई रोक। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जाधव की मां को फोन कर दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मिला लेफ्टिनेंट का गोलियों से छलनी शव। आतंकियों ने कल रात उमर फैयाज को किया था अगवा। कुलगाम के रहने वाले उमर फैयाज सेना में थे डॉक्टर। कैश कांड का खुलासा करने के बाद अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा। 5 आप नेताओं के विदेशी दौरों पर खड़े किए सवाल। केजरीवाल से मांगा खर्च का हिसाब। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बीएसपी से किया गया बाहर। सिद्दीकी पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप। सतीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा बीएसपी के नाम पर लोगों से लिए पैसे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बिगड़े हालात के बाद योगी की बैठक। कानून व्यवस्था पर करीब आधे घंटे चली उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी और प्रमुख सचिव भी बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली स्थित अंतरिक्ष भवन में भीषण आग से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर पाया गया काबू। आज से महंगा हुआ मेट्रो का सफर। 6 श्रेणियों में बांटा गया मेट्रो का किराया। न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए तक बढ़ा किराया। दक्षिण कोरिया में उत्तर कोरियाई शरणार्थी के बेटे की जीत। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने मून जे इन। उत्तर कोरिया से संबंध सुधारने की करेंगे पहल। अमेरिका की बढ़ सकती है चिंता। बाजार खुलने के साथ ही निफ्टी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 9,389 के स्तर पर पहुंचा निफ्टी। सेंसेक्स ने भी 200 से अधिक अंकों की लगाई छलांग। और कोलकाता के क्रिस लिन की मेहनत पर फिरा पानी। किंग्स इलेवन पंजाब ने आखिरी पलों में कोलकाता को 14 रनों से दी मात। प्लेऑफ के लिए पंजाब की बढ़ी उम्मीदें। ये तो हुई अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां आई खबरें लगातार।